कितने के जी की? 42 किलो का है। 42 किलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो इसी के साथ आज के करते हैं हम लोग का आगाज़। तो आज मैं फिशरी आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 ब्लॉग बनाए थे, वो सुबह की मंडी के थे। तो आज शाम की मंडी भी आया हूँ। और शाम की मंडी जो होती है सुबह की मंडी की तरह फैली हुई नहीं होती, वो एक हिस्से के अंदर ही होती है। और ज़्यादा मतलब जो है भीड़ होती है वो सुबह की मंडी में होती है। तो आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं किस तरह भाई शाम की मंडी। कौन सी मछली? संजरा। कितने के जी की है ये? होगी 42 के। कितने के जी की? 42 किलो का है। 42 किलो चाहिए। 20 किलो। कौन सी मछली है? बाम है, बाम। शाम की मंडी मखसूस जगह पर ही होती है, अंदर माल ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है। कोशिश में लगे हैं और लेने की भी दंजिया लेना है, और ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं हो, क्योंकि ग्रिल तो हमारे पास बड़ी है लेकिन जो हमारी अंगीठी है वो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं होती। सुबह और शाम की मार्केट में क्या फ़र्क होता है? सुबह में ये होता है कि हर मंडी का माल होता है, यानी गुजे वगैरह का, रज का, महीने का माल होता है, उस पर 15 दिन 20 दिन का मछली होता है। मार्केट में जो है एक दिन की मछली होती है, एक दिन की, 6 दिन की, ज़्यादा 3 दिन की, ज़्यादा हफ्ते की, अच्छा उससे ज़्यादा की। तो बेहतर ये है कि शाम में आया जाए या सुबह में आया जाए? खाने वाले के लिए तो बेहतर ये है कि शाम में आया जाए, उसको ताज़ी मछली मिली। अच्छा, शाम में ताज़ी मछली मिली। और जो सुबह की मछली होती है वो काफ़ी दिनों की मछली? हाँ, उस पर फिर ये होता है कि फिर हल्की मछली थोड़ी मिल जाती है, भले थोड़ी सस्ती रेट में मिल जाती है लेकिन हल्की होती है। साहिल भाई का बेसिकल जो काम है यहाँ पर, ये मछली सेल कर रहे हैं, हम आते जाते हैं, इनसे थोड़ी मुलाकात हुई तो मैंने कहा थोड़ी इनसे भी बात करें। और हम इस वक्त इनके ठेके पर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त बहुत माल कम है, तो काफ़ी हम घूमे, मुझे धंधे के मतलब पीस चाहिए थे ग्रिल के लिए, तो मिल तो नहीं रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह जो है कोशिश तो लगी है। बड़ा हिसाब किताब है, तकरीबन 3 किलो धंधिया लिए और रेट काफ़ी हाई था धंधिया का, और ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं है ना और ज़्यादा छोटे हैं, इतने हैं कि ग्रिल के अंदर तकरीबन 2 लग जाएंगे आसानी। ग्रिल तो हमारे पास बड़ी है लेकिन जो हमारी अंगीठी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो कोशिश ये करेंगे कि भाई जो है 2 पीस ही लगाएंगे उसके अंदर। तो आपको थोड़ा बाहर दिखाते हैं, बाहर भी मछली बिकती है। और अगर जुम्मे वाले दिन जिस तरह यहाँ छुट्टी होती है तो बाहर की तरफ जो मछली वाले मछली ले कर रखते हैं, तो अमूमन जुम्मे वाले दिन जो अगर आपको ख़रीदनी हो शाम के टाइम में तो बाहर से आसानी मिल सकती है। तो आइए आपको थोड़ा बाहर दिखाते हैं, बाहर क्या हिसाब बताते हैं। कोशिश करें अगर आम दिनों में आप जाते हैं तो अंदर से मछली ख़रीदें,
तो अगर बायर से ख़रीदेंगे तो बायर से ख़रीदने के लिए सबसे बड़ी जो शर्त ये है कि बंदे को चैम्पियन होना चाहिए। अगर बंदा चैम्पियन नहीं है तो फिर उससे चुना भी लग सकते हैं। तो जुम्मे के दिन अंदर तो मार्केट बंद होती है, तो मुश्का कर तेरे मुक्का था अंडे बेटा, इसको छोड़ दे छोड़ दे इसको छोड़ दे तेरे मुक्का के लिए ये मेरे खिलाफ बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये खाली इसका खाली सवाल है, अरे आज के वाला ये पीस बना लेगा ना, ये खाली घूम काट दे और मुंह पर मुंह काट दे, कोई कट के लगवा ले सही का बना दे ना, कर लो मारेगा थैली में डालना है। हां ये थैली और है मैं खा लेगा, शॉपर चाहिए शॉपर बोल दे भाई, शॉपर ये रही और ये थी इकट्ठा कर ले एरिया में शॉपर इकट्ठा कर ले। ये एक साइड से लगेंगे टके इसको साइड, अच्छा भाई पेमेंट पे ले लो, एक सेट के ऐसे ही बोल जाता है, हां एक सेट के ऐसे भी बोल भूल जाते हैं, अच्छा और दूसरे साइड का जी होता है। और इसे इसे क्या कहते हैं ये जो ग्रिल में लगाते हैं इसको, इसको कटिंग क्या कहते हैं? ग्रिल कटिंग वो किताब कटिंग बोले, किताब किताब कटिंग, हां किताब कटिंग किताब बना रहे हैं, किताब बना रहे हैं किताब कटिंग, ठीक है। और दंडिया सही रहती है ग्रिल के लिए, मतलब बड़ा साइज और भी अच्छा है, अच्छा बड़ा साइज हम लोग बनाने में ना करा के सके, बोले ये चूड़ी लग जाता सर के साथ बनाता ना, अच्छा चूड़ी लगने का खतरा होता है, अच्छा देखो बड़ा होता ना, ठीक है मजे से बना लेते हैं ग्रिल के लिए, अच्छा भी लगता बड़ा घंटा निकला अंदर, डोरी वाला माल है ये डोरी, ये डोरी की मछली है इसलिए अंदर से कांटा निकला है। अगर आप सफाई करवानी हो तो फिशरी के बाहर के साइड जब हम आएंगे, जब फिशरी से बाहर निकलने के साइड, तो वहाँ बैठे होते हैं तकरीबन बआसानी 20 रुपये किलो लेते हैं और बआसानी सफाई हो जाती है। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, इसी उम्मीद के साथ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों से दरख्वास्त है कि भाई जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें कि न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पर वक्त पहुंचता रहे। अपनी दुआ में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम।